हेलो डियर स्टूडेंट्स वेलकम टू माय चैनल एनपीसी ज्ञान भंडार सब्सक्राइब माय चैनल एनपीसी ज्ञान भंडार एंड अल्सो टेप दी बेल बटन फॉर अपडेट्स माय सेल्फ निर्मल प्रजापति कोविड नाइन्टीन स्टे एट होम स्टडी एट होम ये क्लास एट चैप्टर वन फिजिक्स आई बोर्ड का है ओके okay? इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे फिजिकल क्वांटिटीज एंड मेजरमेंट्स तो फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती हैं विच कैन बी मेजर्ड द क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड जिस क्वांटिटी को हम लोग मेजर कर सकते हैं ओके मेजर कर सकते हैं उसको हम लोग क्या बोलेंगे फिजिकल क्वांटिटीज तो इस तरह से बहुत सारे फिजिकल क्वांटिटीज हैं फिजिक्स में जैसे माफ है लेंथ है टाइम है टेम्परेचर है इसको हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं मेजर कर सकते हैं तो उसी को फिजिकल क्वांटिटीज बोला गया है और सबका मेजरमेंट्स करना है तो चलिए इंट्रोडक्शन को पढ़ते हैं उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है अगर आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए ओके और अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए चलिए इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं क्या होता है फिजिकल क्वान्टिटीज एंड मेजरमेंट्स ये पार्ट वन है ओके इसमें हम आधा चैप्टर को कवर करेंगे ओके फिर पार्ट टू में आधा चैप्टर को इस तरह से ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा दो पार्ट्स में ओके तो चलिए देखते हैं मेजरमेंट इज वन ऑफ द बेस्ट टूल्स विच ए साइंटिस्ट हैज मतलब मेजरमेंट्स एक तरीका मेजरमेंट जो तरीका है वो बहुत ही अच्छा तरीका है इसको साइंटिस्ट के पास है एक टूल है औजार है जिससे साइंटिस्ट लोग सब चीज़ का अनुमान लगा सकता है ओके सपोज वी आर टू रिपोर्ट द रिजल्ट ऑफ ए मेजरमेंट टू समन हुजरमेंट ए स्टैंडर्ड मस्ट बी डिफाइंड ओके मान लीजिए हम लोग को कुछ रिपोर्ट देना है कोई मेजरमेंट्स का रिजल्ट का जो जिसे इस मेजरमेंट्स का एक स्टैंडर्ड डिफाइंड होना चाहिए ठीक इट वुड बी मीनिंगस इफ ए विजिटेड फ्राम आउटर स्पेस वी वेयर टू टॉक टूअ अबाउट द लेंथ ऑफ एट चिंस एट चिंस इफ़ वी डो नॉट नो दीनिंग ऑफ चिंस ओके मतलब सपोज हम लोग को एक मीनिंगस होना है ठीक एक विजिटर का uh, मतलब सपोज आउटर स्पेस में जाना है वॉक करके तो उसमें लेंथ uh, का जो एट चिंच लेंथ है उसको हम लोग बोल रहे हैं एट चिंस लेकिन हम लोग को पता ही नहीं है एट चिंस चिंस क्या है चिंस क्या है अगर हमको उसका मीनिंग ही नहीं पता है तो क्या होगा समझ ही नहीं पाएगा वन ऑन द अदर हैंड इफ समन फेमिलियर विथ आवर सिस्टम रिपोर्ट देन ए वॉल इज टू मीटर हाई एंड आवर यूनिट इज आवर यूनिट ऑफ लेंथ इज वन मीटर देन वी देन नो दैट द हाइट ऑफ द वॉल इज़ ट्वाइस आवर फंडामेंटल यूनिट ऑफ लेंथ ओके मतलब सपोज हम लोग कोई रिपोर्ट आ, रिपोर्ट देना है कि जो है ये वाल ये दीवार जो है सपोज कोई दीवार है जो दो मीटर ऊंचा है और हम लोग को पता है हम लोग का यूनिट्स इन, ऑफ लेंथ क्या होता है मीटर होता है तो वन मीटर ठीक तो हम लोग उससे मेजर कर सकते हैं कि ये फंडामेंटल यूनिट्स का डबल है ठीक इस तरह से हम एज्यूम कर सकते हैं कि इतना दूर तक दो मीटर होगा इतना दूर तक तीन मीटर होगा ओके लाइक वाइज इफ़ वी आर टोल्ड दैट अ पर्सन हैज़ ए मास ऑफ़ सेवेंटी फ़ाइव किलोग्राम एंड आवर यूनिट इज डिफाइंड एज वन किलोग्राम देन आवर पर्सन इज सेवेंटी फाइव टाइम्स हैवियर देन आवर फंडामेंटल यूनिट्स ऑफ मास वैसे ही सपोज कोई आदमी बोल रहा है कि वो पचहत्तर किलोग्राम है और हम लोग को पता है कि वन किलोग्राम फंडामेंटल यूनिट है ठीक तो हम लोग क्या सपोज करेंगे कि वो सेवेंटी फ़ाइव टाइम्स हमारे फ़ंडामेंटल यूनिट से उसका सेवेंटी फाइव टाइम्स है फंडामेंटल यूनिट्स का यूनिट ऑफ मास का ओके मोर ओवर वेरी एक्यूरेट एंड प्रसियस मेजरमेंट्स आर रिक्वायर्ड फॉर द एडवांसमेंट ऑफ साइंस यहाँ तक उसके बाद अधिक ज़्यादा एक्यूरेट और प्रीसियस मेजरमेंट की ज़रूरत पड़ती है साइंस के एडवांस एडवांसमेंट में ओके वी हैव वी हैव बीन एबल टू पुट अप सैटेलाइट्स एंड इवेन मैन ऑन दून ड्यू टू दैक्ट नॉलेज ऑफ लेंथ एंड टाइम हम लोग सेटेलाइट भेज सकते हैं आदमी भेज सकते हैं ओके okay? मून में ताकि उसे ताकि उसका नॉलेज एक्सट्रैक्ट करके ला सके वहाँ से लेंथ एंड टाइम के अकॉर्डिंग ओके विच विच वी वी हैव ऑप्टेड बाय डिफाइनिंग सम स्टैंडर्ड यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट्स ऑफ मास लेंथ एंड टाइम जिसको हम लोग डिफाइन कर सकते हैं स्टैंडर्ड मार्क्स ऑफ स्टैंडर्ड यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट्स के जरिए जैसे मास लेंथ और टाइम ये सब कैलकुलेट करके हम लोग जा सकते हैं वहाँ okay? ओके मोन तक नेक्स्ट है मेजरमेंट्स ऑफ वॉल्यूम ओके थ्री डी कॉन्सेप्ट मतलब वॉल्यूम हम लोग मेजर कैसे करेंगे व्हाट इज वॉल्यूम पहले तो जानेंगे वॉल्यूम क्या है वी हैव लर्न दैट मैटर अकूपाय स्पेस हम लोग को पता है कि जितने भी मैटर्स हैं हमारे आसपास में जितने भी चीज हैं सारे क्या करते हैं स्पेस ऑक्यूपाइज करते हैं इस जगह लेते हैं द वॉल्यूम ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज द अमाउंट ऑफ स्पेस इट ऑक्यूपाइज मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम क्या है अमाउंट ऑफ स्पेस है मतलब वो जितना जगह घेर रहा है उसको इसका वॉल्यूम बोलेंगे ओके फॉर एग्जांपल ए ब्रिक ऑक्यूपाइज मोर स्पेस देन ए मैच बॉक्स सब ऐसे एग्जाम्पल के लिए जो ब्रिक ईंटा जो है वो जगह ज़्यादा लेता है एक माचिस के डिब्बे से ओके इट मीन्स ए ब्रिक हैज मोर वॉल्यूम देन ए मैच बॉक्स इसका मतलब क्या है जो ईंटा है वो ज़्यादा जगह ले रहा है मैच बॉक्स से मतलब उसका वॉल्यूम ज़्यादा है मैच बॉक्स से ठीक माचिस के डिब्बा से सिमिलरली वी सी दैट बकेट बकेट विल होल्ड मोर वाटर देन ए ग्लास थम्बलर ठीक मतलब कोई एक बाल्टी ज़्यादा जगह घेर गे, रहा है कोई एक ग्लास से ठीक ज़्यादा पानी रख सकता है कोई गिलास इसका मतलब क्या है वो उसका वॉल्यूम ज़्यादा है इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट द कैपेसिटी ऑफ ए बकेट टू होल्ड वाटर इज ग्रेटर देन दैट ऑफ ग्लास थम्बलर ठीक मतलब जो कैपेसिटी है बाल्टी का पानी रखने की क्षमता जो है वो ज़्यादा है गिलास से ठीक ग्लास थम्लर से द स्पेस अवेलेबल इन कंटेनर इज कॉल्ड इट्स कैपेसिटी तो किसी भी कंटेनर में जितना उसका स्पेस है जितना उसका स्पेस जगह है ठीक जितना जगह है उस कंटेनर में उसको इसका क्या बोलेंगे कैपेसिटी बोलेंगे तो जैसे बाल्टी का ज़्यादा कैपेसिटी है मतलब क्या ज़्यादा जगह है उसमें वो ज़्यादा वाटर रख सकता है सो वी कैन कंक्लूड दैट द इनर वॉल्यूम ऑफ हिस बकेट इज़ मोर देन द इनर वॉल्यूम ऑफ ग्लास टमलेट मतलब हम लोगों को क्या कंक्लूजन मिला कि जो इनर वॉल्यूम है मतलब बाल्टी का जो इनर वॉल्यूम जिसमें वाटर रहता है उसका वॉल्यूम ज़्यादा है किससे ग्लास ग्लास्टमलर से ओके तो देखिए तो तो क्यूब बनाया हुआ है कि क्यूब जैसे ये क्यूब होता है तो ये कितना जगह घेर रहा है इस तरह से थ्री डी शेप में दिखाया हुआ है ओके तो ये जैसे कोई एक ये सॉलिड बॉडी है क्यूब एक सॉलिड बॉडी है तो इसका वॉल्यूम कैसे निकालेंगे ओके वॉल्यूम ऑफ रेगुलर क्यू सॉलिड बॉडीज क्यूब एंड क्यूब आर द एग्जाम्पल ऑफ रेगुलर सॉलिड ओके क्यूब और क्यूब जो रेगुलर सॉलिड्स का एग्जाम्पल है ओके वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब इक्वल टू साइड इंटू साइड इंटू साइड यानी एल क्यूब ओके वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट इक्वल टू एल इंटू बी इंटू एच ठीक ये सब याद रखिएगा फॉर्मूला यूज होगा नेक्स्ट है कॉन्सेप्ट ऑफ यूनिट वॉल्यूम द साइड्स आर एक्सप्रेस इन मीटर्स देन द वॉल्यूम विल बी इन मीटर क्यूब जब साइड्स अगर मीटर में होगा तो वॉल्यूम क्या होगा मीटर क्यूब में होगा वन मीटर क्यूब इज ए बिगर यूनिट बट इट इज़ ए स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ वॉल्यूम वन मीटर क्यूब जो एक बड़ा यूनिट है लेकिन ये एक स्टैंडर्ड यूनिट है वॉल्यूम का द वॉल्यूम ऑफ स्मॉलर ऑब्जेक्ट्स लाइक द वॉल्यूम ऑफ मैच बॉक्स और द वॉल्यूम ऑफ बुक इज एक्सप्रेस्ड इन सेंटीमीटर क्यूब और डी एम डेसी क्यूब ओके तो बुक का और मैच बॉक्स का जो वॉल्यूम होगा उसको किस में एक्सप्रेस करेंगे सेंटीमीटर क्यूब में या डेसीमीटर क्यूब में ओके यू यू नो दैट सेंटीमीटर क्यूब एंड डेसीमीटर क्यूब आर रिलेटेड विथ मीटर क्यूब लेट्स सी हाउ तो हम लोग आपको पता होगा कि सेंटीमीटर क्यूब और डेसीमीटर क्यूब मीटर से ही रिलेटेड है मीटर क्यूब से ही रिलेटेड है तो कैसे है उसको देखते हैं चलिए देखिए इसमें दिया हुआ है वन मीटर क्यूब इक्वल टू वन मीटर इंटू वन मीटर इंटू वन मीटर और वन मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है वन हंड्रेड सेंटीमीटर तो वन मीटर को कन्वर्ट कर देंगे वन हंड्रेड सेंटीमीटर में तो क्या हो जाएगा वन हंड्रेड सेंटीमीटर इंटू वन हंड्रेड सेंटीमीटर इंटू वन हंड्रेड सेंटीमीटर इक्वल टू क्या हो जाएगा इक्वल टू टेन लैक्स सेंटीमीटर स्क्वायर ए सेंटीमीटर क्यूब ओके टेन लैक्स सेंटीमीटर क्यूब इच इज इक्वल टू द पावर सिक्स सेंटीमीटर क्यूब ओके सब मल्टीपल्स ऑफ यूनिट्स ऑफ वॉल्यूम ओके सब मल्टीपल्स मतलब जैसे वन मीटर क्यूब है तो उसको डेसीमीटर क्यूब में चेंज करेंगे ओके तो वन थाउजेंड डेसीमीटर क्यूब वन डेसीमीटर क्यूब इक्वल टू वन थाउजेंड सेंटीमीटर क्यूब वन थाउजेंड वन सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू वन थाउजेंड मिलीमीटर क्यूब ओके वेन दी वॉल्यूम ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज स्मॉल इट इज कन्वीनियंट टू एक्सप्रेस इट्स वॉल्यूम इन सब मल्टीपल्स ऑफ मीटर क्यूब जब वॉल्यूम uh, किसी भी ऑब्जेक्ट का स्मॉल होगा तो ये आसानी होगा उसको एक्सप्रेस करने में कि वो सब मल्टीपल्स ऑफ मीटर क्यूब में उसको एक्सप्रेस करेंगे मतलब डेसीमीटर क्यूब सेंटीमीटर क्यूब और मिलीमीटर क्यूब में एक्सप्रेस करेंगे सच एज डेसीमीटर डेसीमीटर क्यूब डी एम क्यूब एंड सेंटीमीटर क्यूब सीएम क्यूब ओके नेक्स्ट है मेजरमेंट ऑफ एन ऑफ़ एरिया मेजरमेंट ऑफ एरिया ये था मेजरमेंट ऑफ वॉल्यूम वॉल्यूम कैसे मेजर करेंगे इतना दूर तक था अब एरिया कैसे मेजर करेंगे चलो एरिया को पहले समझते हैं एरिया क्या होता है सरफेस एरिया इज डिफाइंड एज द मेजर ऑफ द सरफेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट सरफेस एरिया डिफाइन क्या डिफाइन किया गया सरफेस एरिया को किसके रूप में कि मेजर ऑफ़ द सरफेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट है उसका जो सरफेस होगा उसको सरफेस एरिया बोला गया है ओके देयरफॉर मोर द सरफेस ऑफ़ दी ऑब्जेक्ट द मोर विल बी इट्स एरिया मतलब जिसका सरफेस ज़्यादा होगा उसका एरिया भी ज़्यादा होगा हैं सरफेस एरिया ऑफ ए डोर इज सर्टेनली मोर देन दर्फेस एरिया ऑफ द विंडो मतलब जो सरफेस एरिया है डोर का मतलब दरवाजा का वो ज़्यादा होगा किससे खिड़की से खिड़की का एरिया से यू हैव ऑलरेडी लर्न इन योर प्रीवियस क्लास दैट एरिया ऑफ स्क्वायर इज साइड इंटू साइड ये आप प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हैं एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है साइड इंटू साइड एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज लेंथ इंटू ब्रेथ दैट इज एरिया इज एक्सप्रेस्ड एज द प्रोडक्ट ऑफ टू लेंथ इंटू लेंथ ओके देयर फॉर द ऑफ एरिया इज मीटर स्क्वायर इट इज रिटर्न एज एम ओके तो ये आप पढ़ चुके हैं पहले नेक्स्ट है स्मॉल एरियाज आर एक्सप्रेसड एज कैसे स्मॉल एरियाज को एक्सप्रेस करेंगे इन आवर डेली लाइफ

नेक्स्ट है लार्ज एरियाज आर एक्सप्रेस्ड एज लार्ज एरिया को कैसे एक्सप्रेस करेंगे ओके टू एक्सप्रेस लार्जर एरिया सच एज द एरिया ऑफ टाउन और सिटी एरिया ऑफ बिग बिग प्लॉट ऑफ लैंड एरिया ऑफ ए कंट्री एक्सेट्रा द कन्वीनियंट यूनिट्स आर आर एयर और हेक्टेयर ओके किसको जैसे कोई बड़ा चीज़ है जैसे सपोज कोई एक शहर है या फिर कोई बड़ा प्लॉट है ज़मीन का या फिर कोई कंट्री है एरिया कंट्री का एरिया तो उसमें किसको इसको किस में मेजर करेंगे एयर में या फिर हेक्टेयर में ओके तो जैसे वन मीटर स्क्वायर इक्वल टू टेन थाउजेंड सेंटीमीटर स्क्वायर वन सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल टू हंड्रेड मिलीमीटर स्क्वायर एंड वन एयर रीडेज एयर ओके इक्वल टू वन हंड्रेड मीटर स्क्वायर ओके तो ये सब याद रखिएगा यूनिट्स कन्वर्जन ये सब बहुत आगे काम देगा अभी इसमें क्वेश्चन भी होगा न्यूमेरिकल्स उसमें भी काम देगा ओके okay? तो चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट पेज में इसमें आप देख रहे हैं वन हेक्टेयर इक्वल टू वन हंड्रेड एयर इक्वल टू टेन थाउजेंड मीटर स्क्वायर ओके तो ऐसे ही वन किलोमीटर स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा वन थाउजेंड मीटर इंटू वन थाउजेंड मीटर इक्वल टू टेन लैक मीटर स्क्वायर ओके वेरी बिग एरियाज आर एक्सप्रेस एज स्क्वायर किलोमीटर्स ओके जो ज्यादा बड़े एरिया है उसको किसमें एक्सप्रेस करेंगे स्क्वायर किलोमीटर्स में ओके फोर इरेगुलर पॉलीगन जोमेट्रिक शेप विथ स्ट्रेच एज द मोस्ट एक्यूरेट वे टू कंप्यूट द एरिया इज टू पार्टीशन द सेप इन टू ट्रेंगल्स देन एडअप द एरियाज दो इस्मालर ट्रेंगल्स मतलब सपोज कोई इरेगुलर पॉलीगन है तो उसको मोस्ट एक्ट वे के तरीका क्या है एरिया निकालने का उसको पार्टीशन करेंगे सेप उस पार्टीशन को किस में चेंज करेंगे ट्रेंगल में पार्टीशन दे दे करके ओके okay? मतलब कट कर करके देन एडअप द एरियाज ऑफ दोज इसमोलर ट्रेंगल और उसको फिर एड करेंगे ट्रेंगुलर एरियाज को एड करेंगे फॉर इरेगुलर शेप अब ये तो था रेगुलर शेप को कैसे करेंगे अब इ रेगुलर शेप इ रेगुलर शेप जैसे जो इरेगुलर है ओके तो इरेगुलर शेप विथ कर्व्ड एजेज देयर आर मोर क्रिउड वे टू अप्रोक्सीमेट दरिया एट द रिजल्ट कैन स्टिल बी क्वाइट एकूरेट द मैथड डिस्क्राइब बिलो रिक्वायर्स ओनली ग्राफ पेपर एंड टू कलर पेंसिल ओके तो ये ये भी एक आसान तरीका ही है और इसमें भी क्वाइट मतलब लगभग एक्यूरेट मेजरमेंट्स आता है एरिया का सपोज इरेगुलर है जैसे सपोज आपको कोई एक जैसे देखिए इसमें बताया हुआ एक सर्कल किया हुआ मतलब सर्कल शेप का है एज शेप का उसका निकालना है एरिया लेकिन ये पूरी तरह से सर्कल नहीं है ठीक तो इसमें कैसे निकालेंगे तो इसमें ग्राफ पेपर की जरूरत पड़ेगी और टू कलर पेंसिल्स की ज़रूरत पड़ेगी फर्स्ट कॉपी द इरेगुलर शेप इनटू ग्रीड ओके पहले इरेगुलर शेप को ग्रीड ग्रिड में कॉपी करेंगे ग्रीड मतलब ग्राफ में कॉपी करेंगे ओके okay? और क्या करेंगे एसेंशियली यू विल अप्रोक्सीमेट द एरिया ऑफ द इरेगुलर शेप बाय एस्टिमेटिंग हाउ मेनी स्क्वायर्स एंड द शेप्स कवर्ड ऑन द ग्रिड पेपर तो ग्रिड पेपर में कितना रेगुलर uh, शेप अप्रोक्सीमेट कवर किया है ठीक ना रेगुलर पहले काउंट करेंगे कितने स्क्वायर्स हैं रेगुलर ठीक उसको पहले काउंट करेंगे ठीक उसके बाद फिर जो कि ग्रिड पेपर में कवर्स किस मेक द नोट ऑफ साइज एंड स्केल साइज ऑफ ईच स्क्वायर ठीक नोट ऑफ साइज नोट ऑफ साइज और स्केल साइज स्क्वायर बनाना है सबको ठीक फॉर एग्जांपल ए ग्रिड यूनिट में भी वन स्क्वायर सेंटीमीटर ठीक इंच फुट और मीटर ग्रिड ग्रिड का जो यूनिट्स होगा वो किस में हो सकता है वन स्क्वायर सेंटीमीटर में हो सकता है इंच में हो सकता है फुट में हो सकता है मीटर में हो सकता है नेक्स्ट कलर ऑल द स्क्वायर्स दैट लाई कंप्लीटली विद इन द बाउंड्रीज ऑफ द सेप एंड कंटेन नो पार्ट ऑफ द बाउंड्री लाइंस ओके काउंट देम एंड कॉल द नंबर्स ऑफ इंटीरियर स्क्वायर्स सी देखिए ऐसे स्क्वर्स को काउंट करना है और कलर करना है जो बाउंड्री को टच करते हैं टच भी नहीं कर रहे हैं ठीक है मतलब कंप्लीटली वो इनसाइड बाउंड्री है ओके तो सबको कलर करना है देखिए पिंक कलर में किया हुआ है थोड़ा ओके तो इसको इसको काउंट करेंगे और इस सबको इंटीरियर को काउंट करके नेमिंग करेंगे सी इस सबको सी नेम करेंगे ओके नेक्स्ट है यूज डिफरेंट कलर्स to fill the squares that contains the border of the shape only color in the squares if the boundary lines goes through the square count them and call them uh, call the number of perimeter number of perimeter squares p okay number of perimeters squares ye jo boundary ko touch karte hain waise squares ko blue color से देखिए color किया हुआ है उसके बाद उसको count करेंगे और उसके बाद फिर क्या करेंगे देखते हैं चलिए देखिए फिगर में दिखाया हुआ है एस्टिमेटिंग द एरिया ऑफ इरेगुलरली शेप्ड बॉडी ओके तो चलिए आगे बढ़ते हैं देखिए उसके बाद नाव यूज द फॉर्मूला उसके बाद फार्मूला यूज करेंगे ओके एरिया इक्वल टू सी प्लस जीरो पॉइंट फाइव इंटू पी इस एरिया इस फार्मूला को यूज करेंगे एरिया इक्वल टू सी सी मतलब नंबर ऑफ इंटीरियर स्क्वायर्स ओके और पी इंटू पी इक्वल टू नंबर ऑफ पेरीमीटर स्क्वायर्स ओके तो इसमें उस सबका वैल्यू पुट करेंगे टू अप्रोप्रिएट द एरिया ऑफ द सेप जो कि एरिया ऑफ द सेप के बराबर होगा जो एरिया निकलेगा द फाइनर द फाइनर द ग्रिड दैट इज द स्मॉलर the द मोर the, 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 the estimate मतलब जितना फाइन ग्रिड होगा ग्रिड मतलब जितना स्मॉलर स्क्वायर्स होगा ग्रिड पेपर में उतना फाइन यानि एक्यूरेट एस्टिमेट आएगा एकट एरिया आएगा यूज द ट्रिक इफ़ यू नीड टू एस्टिमेट द एरिया ऑफ द इेगुलर शो लाइक गार्डन पुल एंड पीस ऑफ लैंड तो ये सब क्या होता है इरेगुलर होता है रेगुलर नहीं रहता है। तो ये सब का एरिया इसी तरह से निकाला जाता है जैसे एक एग्ज़ाम्पल दिया हुआ है सपोज द नंबर ऑफ इंटीरियर स्क्वेयर्स इज़ थर्टी एट एंड दी नंबर ऑफ़ बाउंड्री स्वयर्स इज़ ट्वेंटी नाइन ओके दिया हुआ है कि इंटीरियर स्क्वेयर्स यानी जो कम्प्लीटली इनसाइड बाउंड्री है उसका नंबर कितना है थर्टी एट एंड दाउ एंड दंबर ऑफ बाउंड्री स्वयर्स दो बाउंड्री को टच करते हैं ठीक सबका नंबर्स कितना है ट्वेंटी नाइन यूजिंग द अप्रोक्सीमेशन फार्मूला इस सबका इस फॉर्मूले का नाम क्या है अप्रोक्सीमेशन फार्मूला वी एस्टिमेट द टोटल एरिया ऑफ द शेप विल बी टू बी थर्टी एट प्लस जीरो पॉइंट फाइव इंटू ट्वेंटी नाइन इक्वल टू कितना आ जाएगा थर्टी एट प्लस फोर्टीन पॉइंट फाइव आ जाएगा इक्वल टू फिफ्टी टू पॉइंट फाइव आ जाएगा ओके नेक्स्ट एग्जाम्पल टू एग्जाम्पल टू देखिए इसमें दिया हुआ है इसको खुद से करना है आपको लेटस्ट फाइंड द एरिया ऑफ ए मेपल लिप ओके मेपल लिप एक पत्ता है मेपल का उसको उसका एरिया फाइंड करना है ओके विच हैजीन यूज टू डिमोस्ट्रेट द यूज ऑफ ग्रिड पेपर इन मेजरिंग सरफेस जो कि डिमोन्स्ट्रेट किया हुआ है दिखाया हुआ है ग्रिड पेपर में ओके लेटस ट्रेस द मेपल ऑफ लिप ऑन टू वन सेंटीमीटर ग्रिड पेपर एज सोन इन फिगर वन पॉइंट टू देखिए फिगर वन पॉइंट टू में दिखाया हुआ है कैसे मेपल लिप को ग्रिड पेपर में ये किया हुआ डिमोस्ट्रेट किया हुआ है ओके तो देखिए जितने भी कंप्लीटली स्क्वायर्स है ना इनसाइड द लिप बाउंड्री उसको काउंट कीजिए ओके उसको सी मानना है और जो बाउंड्री को जो तो टच कर रहे हैं जितने स्क्वायर्स उसको मानना है पी ओके काउंट करके तो इसको आप खुद से कीजिए तो देखिए फॉर इच कैलकुलेटेड सरफेस एरिया होल स्क्वायर्स लोकेटेड विद इन द लिफ एरिया आइडेंटिफाइड फर्स्ट मतलब जो विद इन द लिफ है उसको पहले आइडेंटिफाई कीजिए एंड मल्टीप्लाई बाय बाई द्रोक्सरीट एरिया ऑफ द इच ग्रिड साइज इज वन सेंटीमीटर स्क्वायर जो कि जितने भी मल्टीप्लाइड स्क्वायर्स उसका कितना एरिया है वन सेंटीमीटर स्क्वायर स्क्वास विच इंक्लूड दार्ट ऑफ द लिफ्ट सर्फेस सर्फेस एयर एडेडअप ओके सरफेस आर एडेड अप जो कि लिफ्ट सर्फेस में एड किया हुआ है ओके देन डिड दिडेड बाई टू सिंस ओनली पार्ट ऑफ द सर्फेस व इंक्लूडेड विद इन द स्क्वायर क्योंकि सिर्फ आधा पार्ट इंक्लूडेड है इसलिए इसको टू से डिवाइड किया गया क्योंकि टू से डिवाइड किया गया इसलिए जीरो पॉइंट फाइव से मल्टीप्लाई किया जाता है फॉर्मूला में ओके तो क्यों किया जाता है क्योंकि वो आधा पार्ट इनसाइड है आधा पार्ट आउटसाइड है ओके उसके बाद नोट एज द ग्रीट साइज गेट्स स्मॉलर ए बेटर एस्टिमेट ऑफ द ट्रू लिव सरफेस एरिया इज डिटरमाइंड जैसे ग्रिड साइज जितना स्मॉलर होगा उतना बेटर एस्टिमेट आएगा बेटर एस्टिमेशन आएगा इसमें एरिया का ओके ग्रिड साइज कैन बी डिक्रीज अंटिल इट बिकम्स टू डिफिकल्ट टू सी द स्क्वेयर ग्रिड साइज को डिक्रीज कर सकते हैं जब तक जब तक कि तब तक जब तक कि हम लोग उसको ग्रिड को अच्छे से देखें मतलब स्क्वायर जितने वो अच्छे से दिखने चाहिए ओके okay? ये नहीं कि एकदम छोटा कर दिया और स्क्वेयर्स हम लोग काउंट भी नहीं कर पाए वैसे नहीं स्क्वेयर्स दिखने चाहिए तो चलिए नेक्स्ट पेज में देखते हैं क्या है यूजिंग डिफरेंट ग्रिड साइजेज इज अ ग्रेट लीड इन टू डिस्कसन ऑफ एक्यूरेसी एंड प्रीसी प्रिशंस इन सरफेस एरिया मेजरमेंट इस ग्रिड साइज का यूज करके मतलब हम लोग अच्छे से एक्यूरेसी एक्यूरेट एरिया निकाल सकते हैं सरफेस एरिया मेजर कर सकते हैं ओके नाउ एरिया ऑफ द मेपल लिपिज फोर्टी नाइन स्क्वायर्स आएगा ओके तो फोर्टी वन करेंगे तो फोर्टी नाइन ही रहेगा और फोर्टी वन स्क्वायर्स आएगा बाउंड्री वाला स्क्वायर्स ओके जो बाउंड्री को टच करता है या फिर आधा रहता है ओके तो उसको टू से डिवाइड करेंगे तो ट्वेंटी पॉइंट फाइव आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर हैंड्स द एस्टिमेटेड एरिया ऑफ मेपल लिप इक्वल टू फोर्टी नाइन प्लस ट्वेंटी पॉइंट फाइव इक्वल टू सिक्सटी नाइन पॉइंट फाइव सेंटीमीटर स्क्वायर वैसे इसी आप एक दूसरा लिप का एरिया निकाल के अपने घर में ट्राई कीजिए ओके okay? और बताइए उस लिप का कितना आपका एरिया आया इस फॉर्मूला को यूज करके कमेंट में जरूर बताएं तो ये था पार्ट वन और पार्ट टू में मेजरमेंट्स वड़ेंस ऑफ डेंसिटी रेगुलर डेंसिटी ऑफ रेगुलर सॉलिड्स को देखेंगे ओके पार्ट टू में बहुत जल्द लाऊंगा तब तक आप पार्ट वन का रिवाइज कीजिए जितने भी फार्मूलेस हैं हैं वो सबको लर्न कीजिए ओके okay? और कॉपी में राइट डाउन कीजिए ओके okay? और थैंक्स फॉर वाचिंग अपने दोस्तों में भी शेयर करें इसको थैंक्स फॉर वॉचिंग और आपसे रिक्वेस्ट है अगर आप अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और आपसे और एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरी देखें और अपने दोस्तों में शेयर करें और आपको वीडियो कैसा लगा ये कमेंट में बताएं अगर कुछ कमी हो तो बताएं थैंक यू